आज की ये मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग जो है अपने फोन का इंटरनेट अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे चलाना चाहते हैं या अपने फोन से और ज्यादा फोन पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में वही बताऊंगा कि आप अपने सिम का डाटा अपने फोन का इंटरनेट किसी और जगह पे चलाना चाह रहे हो तो वो भी बगैर तार के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे अभी के लिए जो है कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो इसको चलाने का तरीका क्या है कि मैं अपने फोन का एक वाईफाई बनाऊंगा और वो मैं आपको जो है लैपटॉप और कंप्यूटर पे लगा के दिखाऊंगा। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपने अपने फोन की सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप ऊपर हॉटस्पॉट सर्च कर सकते हो या यहाँ पे हॉटस्पॉट सर्च करोगे तो आपके पास पहले पहले नंबर पे आ जाएगा। और दूसरा, आप इसको किस तरह से निकाल सकते हो, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नीचे आपके पास लिखा हुआ है पोर्टेबल हॉटस्पॉट, तो आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास आ जाएगा। सबसे ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे पोर्टेबल हॉटस्पॉट है, इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद यहाँ पे नीचे आपके पास सेटअप का एक बटन होगा, सेटअप पे आओगे तो यहाँ पे आप अपने वाईफाई का नाम और अपने वाईफाई का पासवर्ड रख सकते हो। तो ये चीजें करने के बाद आपने ऑन करना है, आपके पास ऊपर जो है निशान आ जाएगा कि आपका हॉटस्पॉट ऑन हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो सिंपली क्लिक करोगे वाईफाई शो ऑन स्टार्ट होंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर अंदर जो है हमें वाईफाई लगाना पड़ता है, वो इसका हो सकता है, इसका सकता है, इसका भी हो सकता है, इस तरह भी होता है और ये वाला भी होता है। कोई भी एक डिवाइस है और यूपी वाली जगह लगोगे, एक ड्राइवर होते हैं इसके साथ सीडी मिलकर वायर हो गए। तो यहाँ पे मेरे पास इस अंदर वाली डिवाइस लगी हुई है, मैं करता हूं इसको ओपन, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास सारे इसके सारे वाईफाई आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा वाईफाई है वो भी आएगा, तो उसी नाम से यहाँ पे आएगा, आपने वही नाम एंटर करना है, आपने कनेक्ट करना है और आपके पास यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, आपने पासवर्ड देना है और वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं पासवर्ड इंटर करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, तो यहाँ पर जो है मेरे पास वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाईफाई का सैंपल आ चुका है और वाईफाई कनेक्ट हो चुका है और मेरे पास इंटरनेट जो है चल चुका है। इस तरह से आप अपने फोन से बहुत सारे जो है फोन पे या लैपटॉप कंप्यूटर पे इस तरह से आप अपना इंटरनेट जो है शिफ्ट कर सकते हो। अगर ये चीज आपको पहले से पता थी तो कमेंट में यस लिखें, अगर नहीं पता थी तो नो लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।